तो हे वेलकम बैक टू द वीडियो। तो नई जनरेशन वाली स्कॉर्पियो का आपने ट्रेलर देख लिया होगा, मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। नहीं देखा तो एक बार देखना, काफ़ी अमेजिंग गाड़ी है। तो आज उसी ट्रेलर के बेसिस में हम देखने वाले हैं कि क्या क्या इस गाड़ी में होने वाला है विद प्रूफ है, मतलब कोई भी ऐसे फर्जी वीडियो नहीं रहने वाली है, सब आपको जो दिखेगा सॉलिड दिखेगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको। सो मेहनत लगी है यार वीडियो बनाने में, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना। सो बात करते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में। पहले से तो काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली है ये गाड़ी, मतलब इसकी लुक्स ना नेक्स्ट लेवल है। सो फ्रंट लुक देखेंगे आपको, एक DRL हेडलैम्प दिखेगा जो अच्छा है। इसमें DRL नहीं है, DRL इसके नीचे की तरफ में, हेडलैम्प की अपीलिंग मतलब अच्छा लग रहा है। बोनट में भी कस्टम कीजिए ना अच्छे खासे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि बॉक्सी डिज़ाइन इसमें कैरी फॉरवर्ड किया है, जैसे थी ना स्कॉर्पियो पहले से, आगे से भी एकदम समझ सकते हैं ना खड़ी खड़ी, मतलब अगली फोटो आप देखो इस हिसाब समझ जाओगे आगे से कैसी लुक आने वाली है। इसमें नीचे में आपको DRL मिलेगा शीशे का, और यहीं पर आपको फॉग लैंप की प्लेसिंग मिलने वाली है। गाड़ी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, ठीक है। मेरे को डर लग रही है कि XUV700 का मार्केट ना खा दे, क्योंकि उससे तो सस्ती मिलेगी। अगर आप पीछे की तरफ में देखेंगे तो, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा क्रोम की फिनिश। क्रोम ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो बहुत ही मिनिमल यूज़ किया है क्रोम का, और जो बहुत अच्छा लग रहा है गाड़ी में। और नीचे की तरफ में आपको वहीं पर रिफ्रैक्टर भी मिलेगा एक, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सिलेंडर का पाइप मिलेगा। हो सकता है कि इसमें दो एग्जॉस्ट टिप हो सकता है, मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। और पीछे से भी आप देखेंगे तो बॉक्स डिज़ाइन आपको कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। फ्रंट लुक कुछ ऐसी सी निकल के आती है, जिसमें आपको 6 LED की ग्रिल मिलने वाली है। सो ग्रिल अच्छी है, और ये थोड़ा बहुत हाईलाइट कर रखा है ताकि आपको दिख जाए कि कहाँ पे किसकी प्लेसिंग है। और फ्रंट लुक नो डाउट की अच्छी है। मेरे को फिर कह रहा हूँ कि मेरे को डर लग रही है कि XUV का मार्केट ना खा जाए। रियर में आपको पहले तो आपको साइड फेस फॉरवर्ड सीट मिलती थी, मतलब अब आपको फ्रंट फेसिंग सीट मिलती है, जो अच्छी बात है। पहले से थोड़ा सा अपग्रेड है। अब ये देख रहे हैं कि इसमें हेडरूम तो होगा इतना, तो मैं श्योर हूँ कि स्कॉर्पियो की रूफ लाइन अगर आप देखेंगे तो वो ऐसे थोड़ा नीचे फिर ऊपर जाती है, तो आपको हेडरूम तो मिलेगा, लेग रूम का देखेंगे। अगर आप इस फोटो में थोड़ा सा गौर करेंगे ना, तो आपको AC के कंट्रोल्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन उसके साइड में आपको USB चार्जिंग के पोर्ट दिखेगा। शायद से CB है और USB भी है, अंदाज़ा है कि वो फोटो थोड़ी ब्लर है, इसलिए मैं पक्का नहीं कह सकता। और AC वेंट्स आपको नीचे की तरफ में मिल रहे हैं इसमें, और आपको साइड में शायद से ये स्पीकर प्लेसिंग है। फ्रंट लुक्स इसकी नो डाउट अच्छी है, काफ़ी सही अपीलिंग है, पहले से काफ़ी ज़्यादा हाईटेक है एज जैसा ट्रेलर में बताया था। काफ़ी अच्छी इसकी डैशबोर्ड का कंसोल होने वाला है, और डी शेप आपको स्टेयरिंग मिलने वाला है। अगर आप गौर करेंगे तो फोटो में डी शेप होगा। इंफोटेनमेंट भी अच्छी खासी बड़ी है, जो बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। इंफोटेनमेंट में वही पूरा इंटरफेस होगा जैसा आपका XUV700 में आया था। आपको वाले कंट्रोल्स मिलेंगे 700 वाले के, जो मतलब AC या हज़ार डैम्स के होंगे। आपको एक छोटी सी डिस्प्ले मिलेगी, और बाकी दोनों एनालॉग रहने वाले हैं एज़ पर फोटो, और बाकी मेरे को नहीं पता, ठीक है। एज़ पर फोटो ऐसा रहने वाला है। इन शॉर्ट ना काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना दिया। साइड लुक्स आप देखेंगे ना, मिरर्स आपको काफ़ी ज़्यादा यूज मिला, और XUV की वो सिग्नेचर लाइनिंग आपको मिल रही है। आप दूसरे वाले ड्रोर देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना, तो XUV की आपको वो थोड़ा बहुत एसेंस मिल रहा है इसमें भी। और लुक्स नो डाउट अच्छे, क्रोम का भी बहुत ही ज़्यादा मिनिमल और अच्छा यूज़ किया है। आगे की तरफ में 6 LED की ग्रिल, जैसा कि मैं कह रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और थोड़ा बहुत न्यू डिज़ाइन है ग्रिल का। सो मेरे को आगे की ग्रिल ज़्यादा बेटर लगी पहले से, फिर देखते हैं कि आफ्टर मार्केट में। तो मैंने सुना कि इसकी लाइट्स भी आ गई हैं, तो रियल लाइट्स का यार कुछ ज़्यादा आउट नहीं हुआ है, सो देखना पड़ेगा। सो एक ही गाड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। आप फिर से देख लीजिए ट्रेलर, मतलब इसको जितनी बार देखो उतना कम है, कितनी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है और बोल्ड लग रही है। सो ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। 300 सब्सक्राइबर का एम था, लेकिन एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है जब से मैंने 5-6 वीडियो डाल दिए। तो कोई नहीं, आज की वीडियो में इतना ही।